Good morning everyone. How are you children? I hope you all are well. Very good. So student, this is your computer class, class 4th computer class. And today we will do the revision worksheet. Today we will solve the revision worksheet in class. And I will send you a PDF of this worksheet and you have to do it at your home. And click the picture and send it to me, okay? Send it to your respective class teachers. So I'm starting it. You all have to listen carefully. Question number one is, mostly we see dash in schools, colleges and shops. Aap log schools, colleges or shops mein kya dekhte ho jyadatar? Laptop, desktop, Kindle or tablets. To kya dikhta jyadatar aapko schools wagera mein? Desktop. So you have to correct this desktop. Tick the correct desktop. Second question is, computers connected to each other across the world form a computer dash. जब computer एक दूसरे से connected होते हैं तो वो क्या करते हैं? क्या बन जाता है उनका एक? क्या बनता है उनका एक? Circuit बनता है, station बनता है, program बनता है और network बनता है. तो क्या बनता है उनका मिलके एक? Network. So tick the correct answer. Network. Now next question is personal digital assistant can be carried in dash. जो personal digital assistant होते हैं उसे हम carry कैसे कर सकते हैं? In bank, pockets, bag or none of these. हम लोग कैसे उनको carry कर सकते हैं? In pockets. आप लोग pockets में रख सकते हैं उन्हें, okay? Now next question is, which memory are pre-recorded and cannot be changed easily? कौन सी memory ऐसी होती है जो pre-recorded होती है और easily change नहीं होती है? RAM, ROM, primary और secondary memory. Which memory? ROM. ROM memory क्या होती है? एकदम से change नहीं होती है. Now next question is, which type of memory is volatile? Volatile का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील. तो कौन सी memory ऐसी होती है जो change जिसमें आते रहते हैं? Human memory, computer memory, secondary memory और primary memory. कौन सी memory होती है? Human memory. Human memory is volatile. Next question is, which memory is used by the central processing unit while processing data and executing program? Which memory is used by the central processing data and executing program? कौन सी मेमोरी होती है जब हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग डाटा और एग्जीक्यूट करती है? सेकेंडरी मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और नन ऑफ दिस? सो आंसर इज प्राइमरी मेमोरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी, व्हिच मेमोरी इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी? किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा गया है? कौन सी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा गया है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या ह्यूमन मेमोरी को? तो सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज द ऑक्सिलरी मेमोरी. नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी? सो आंसर इज प्राइमरी मेमोरी. कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी, व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज एन एक्सेस टू रोम? किसके पास पावर होती है एक्सेस टू रोम करने की?
किसके पास होती है? रैम, सीपीयू, कंप्यूटर और प्राइमरी। तो किसके पास होती है? सीपीयू के पास। नेक्स्ट इज 1 GB इज इक्वल टू डैश मेगाबाइट। 1 GB कितना मेगाबाइट होता है? 2024, 1024, 1 या 3034। द आंसर इज 1024। नेक्स्ट इज गीगा इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स कंप्यूटर, बाइट्स, मेमोरी और जैंट। सो आंसर इज जैंट। ग्रीक वर्ड कौन सा है? जैंट। बोथ द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर मेजर्ड इन डैश। दोनों मेमोरी को कैसे मेजर्ड किया जाता है? इक्वल, बिट्स एंड बाइट्स, मेगाबाइट और गीगाबाइट। सो आंसर इज बिट एंड बाइट्स। बिट एंड बाइट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन शॉप। कंप्यूटर का क्या काम होता है शॉप में? स्टोरिंग, बिलिंग, रीडिंग और गेमिंग। सो आंसर इज बिलिंग। बिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉप्स एंड मॉल्स यूज डैश फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। स्कूल्स, कॉलेजेस और शॉप्स, मॉल्स क्या यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स? टीवी, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और फोन। क्या यूज करते हैं वो लोग? कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट, वी हैव सॉल्व द वर्कशीट टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस पीडीएफ वर्कशीट एंड यू हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स इन पीडीएफ फॉर्म। टिल देन बाय बाय एवरीवन। Enjoy your day and be safe, everyone.